देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। ईसागढ़ से 2 किलोमीटर दूर मां मरई डांग वाली माता के दरबार में चतुर्मासी रामायण का कार्यक्रम सावन के महीने से चल रहा है, जो डोल ग्यारस के दिन भंडारे के साथ संपन्न होगा, जिसमें ईसागढ़ नगर के सभी लोग सहयोग करेंगे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईसागढ़ के संवाददाता दुर्गेश राव, कैमरामैन मुकेश राव के साथ माता के दरबार में पहुंचकर वहां के पुजारी कथावाचक लोगों से मिले और मंदिर के बारे में बताया गया। यह मंदिर प्राचीन है, जो जंगल में स्थित है, जहां पर गांव नगर के लोग सावन के महीने में 2.5 दिन का व्रत कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भोज के दिन काफी लोग आते हैं, लेकिन कहने के लिए नगर परिषद पंचायत के अधिकारी आज दिनांक रोड न लाइट की व्यवस्था से नहीं है। हमारा नाम श्री श्री शांतिदास महात्यागी और हमारा बंबई अखाड़े से जाने जाते हैं और ये डांगवारी माता मंदिर मरई माता मंदिर के नाम से ये आश्रम जाना जाता है जी। हम चतुर्मासा यहाँ पर माता रानी के दरबार में किया जा रहा है। सभी श्रद्धालु भक्तगण ईसागढ़ सभी क्षेत्र के मतलब पब्लिक आने जाने लग गई है। यहाँ जंगल में आश्रम था, यहाँ कोई मतलब ऐसा व्यक्ति आने का मतलब सुझाव नहीं था, लेकिन यहाँ चतुर्मासा रामायण करने से भक्तगणों का बहुत अच्छा भक्ति। मतलब कब कितना पुराना मंदिर है ये? अपने स्टेज के समय से मंदिर का निर्माण है, स्टेज के समय से ही मंदिर का निर्माण है और अभी इस माता रानी का बहुत बहुत मतलब अच्छा प्रचार प्रसार चल रहा है और रामायण हमारी चतुर्मासा चला ही रहा है। ये देव उठनी ग्यारस को समापन किया जाएगा। सभी जनता जनार्दन से, सभी ईसागढ़ वासियों से हमारा मतलब ये निवेदन है कि सभी इसमें सभी भाग ले रहे हैं और आगे भी लेंगे और अपना डोल ग्यारस को भव्य यहाँ से विमान निकाला जाएगा। माता रानी का नहीं, भगवान ठाकुर जी का विमान निकाला जी जी विमान निकाला जाएगा, बहुत धूमधाम से विमान निकाला जाएगा। जी आपके यहाँ पे आने के लिए रोड का कोई आवेदन दिया आपने आज तक तहसील में नगर पालिका में? अभी हमने आवेदन लगा रखा है, अब देखो सरकार के हाथ में है कब वो पास कराएंगे, वरना कि हमारा यहाँ से आवेदन तो लग चुका है लाइट का और रोड का। अच्छा, किसको दिया है, किस विभाग को? ये नगर पालिका को दिया है। ठीक, ये मंदिर कब से नाम से प्रसिद्ध है? ये मंदिर स्टेट टाइम से है और ये मरई माता डांग वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ईसागढ़ से कितनी दूर रहता है? ईसागढ़ से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पे कोई विशेष कार्य? हाँ, यहाँ श्रावण मास में पूरे माह मेला लगता है और दोनों नवदुर्गों में जवारी हो जाती है, 14 और भोज के दिन मेला लगता है। बाहर से भी लोग आते हैं? हाँ, आसपास ग्रामीण सारे लोग आते हैं। और क्या कार्यक्रम है अभी यहाँ? 2 माह से जो रामायण जी चल रही है और देव उठनी ग्यारस तक ये चलेगी। यहाँ पे संत महात्मा और लोग भी हैं? हाँ, अभी यहाँ पे शांतिदास जी महाराज जी जो उनके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। पूजा वगैरह वही करते हैं? हाँ, दोनों टाइम की आरती पूजन वगैरह वही करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।